अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ उज़्मा काशिफ और आज बनाए हैं उज़्मा काशिफ ने, जी हाँ, फ्रेंच फ्राइज़। बहुत ही मज़े के, बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। और क्रिस्पी और कुरकुरे बनाने का क्या मेथड होता है, क्या टेक्निक होती है, ये मैं आज आपको बताऊँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त भाई, इचिली गार्लिक डाल रही हूँ मैं, नॉट केचप। जी हाँ, अब चिली गार्लिक डाला था मैंने इसके अंदर। अब आप देखें, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको आलू की कटिंग दिखा दूँ। ये मैंने आलू लिए थे, आलू जो है बड़े साइज़ के लिए थे, क्योंकि बड़े साइज़ के आलू के ही फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगते हैं। ये देखिए आप, और कटिंग देखिए आप, ये मैंने नाइफ से कटिंग की है। बाजार वाले जो है वो कटर से कटिंग करते हैं, मैंने कोशिश करी है अच्छे से कटिंग करने की। और सबसे पहले हम इसका बैटर बना लेंगे, ड्राई बैटर होगा। 2 टेबलस्पून जो है हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर हम मैदे का शामिल करेंगे जो इसको क्रिस्पी बनाएगा। और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है, ठीक है। इसके अंदर चावल का आटा डाला है और ब्लैक पेपर डाली है, नमक का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर है, पिसी भी नहीं है और ये बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, चाय और चिकन पाउडर, नॉट चाइनीज़ नमक। चाइनीज़ नमक जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर है, वो मैं इस्तेमाल नहीं करती और ना ही इस्तेमाल करने का किसी को कहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक है। ये ओरिगानो है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल करती हूँ। और ये चिली, रेड चिली है, हसब ज़ायका इस्तेमाल करिए। मैं आपको इसकी क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो आप ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर मिर्चें, नमक, ये सब जो है अपने हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है आपकी वो कॉर्नफ्लोर और मैदा है, उन दोनों की क्वांटिटी आपने सेम लेनी है, सही है। चिकन पाउडर डाला है हमने, और चिकन पाउडर डालने से जो है इसके अंदर चिकन की बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चिकन का, और बहुत डिफरेंट बनेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आप देखिएगा कि मैं इसको कोट कैसे करूँगी इस टेस्ट का विद पोटैटोस। आप देखिएगा, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कुकिंग करना कोई ऐसा ख़ास जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, एंजॉय योर कुकिंग एंड वो फूल करें अच्छी तारीफें। ये देखें, अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने ये ड्राई है, बिल्कुल ड्राई कर लिए हैं मैंने। मज़ीद इसको ड्राई करने के लिए मैं टिशू का इस्तेमाल करूँगी या कपड़े का, आप लोग जो दिल चाहे करें, लेकिन इसे ये मैंने टिशू से इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना, क्योंकि इसका जो स्टार्च होता है ना वो बहुत ही चिकना चिकना सा होता है, वो जब आप ड्राई उसके अंदर डालेंगे तो चिपक सा जाएगा, मज़ीद इसके अंदर डस्ट नहीं लग पाएगी और वो क्रिस्पीपन इसके अंदर नहीं आएगा। हमें कैसे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, हमें फ्रेंच फ्राइज चाहिए कि ऊपर से बिल्कुल कुरकुरे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे कुक हो जाते हैं वो चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे पहले जब मैंने इसको धोकर वॉश करके, ये देखें आप, मैंने इस फ्लावर को, इस डस्ट को इसमें ही डाल दिया है और इसके अंदर हाथों से अच्छे तरीके से जो है मैं इसको मिक्स करूँगी। अभी आप देखिएगा इसके ऊपर कोट कितना अच्छा लगेगा। और मैं डस्ट के लिए जो है नीचे एक प्लेट रख लूँगी, मेरा डस्ट ज़ाया हो रहा है, मैं नीचे प्लेट रख लूँगी। और प्लेट रखने के बाद ये देखें, सारा डस्ट जो है अब इसके अंदर आएगा प्लेट पर। मैंने सब डाल दिया इसके अंदर, कॉर्नफ्लोर जो मैदे का मैंने एक बनाया था, ये देखें आप, ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और ये देखें, सब ही डाल दिया, अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखें ऐसे हल्के हाथ से, बिल्कुल हमने इसको पेस्ट नहीं करना, इसको चिपकाना नहीं। आप इसको देखिए कितने अच्छे से ही कोट हो रहा खुद ब खुद ही, इतनी हमें हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अंदर आप चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए, कुछ चटपटा बनाने के लिए हमें चाट मसाले का इस्तेमाल। ये देखें आप, इसको मिक्स करें खूब अच्छे से। ये देखें आप, ये देखिए आगे डस्ट आपके रिमेनिंग, इसको आप अगेन डालें और फिर से दोबारा से इसको हिलाएं। ये देखें, बेस्ट मेथड है
इसकी कोटिंग करने का, और बहुत ही बेस्ट होती है। आप करके देखिए कैसे। ऑयल जो है मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है, ये देखें आप, ऑयल गर्म है, ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए, और डालने के बाद इसको फ़ौरन ही हमने इसकी इसका जो फ्लेम है वो हम मीडियम कर देंगे। तेज़ फ्लेम पर हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो हमारे फ्राइज जो है वो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से हमारे आलू जो है वो कच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने मीडियम कर दिया है इसको, और देखें आप पकना शुरू हो गए हैं ये। 10 से 15 मिनट तो इसको लगते हैं। देखें आप क्रिस्पी, देखें आप बिल्कुल, देखें आपको महसूस हो रहा होगा कि बिल्कुल ये क्रंची बनाइए। ये लीजिए हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। हमने टिश्यू जो है वो अपने ट्रे में लगा लिया है। फ्रेंच फ्राई ये आ गए हमारे लजीज, डिलीशियस एंड वेरी टेस्टी फ्रेंच फ्राइज। हमें इसको हम किसी भी केचप, मायनीज, चटनी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमने फ्लावर में ही देखे आप क्रिस्पन की आवाज़ नहीं आ रही, ये हमने इसको करा है डिश आउट। और इसकी आप डेकोरेशन देखें, देखिए डेकोरेशन के आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, आप करेंगे ऐसे ऐसा आपकी इम्प्रूवमेंट खुद बहुत आती जाएंगी। ये देखें आप, मैंने वो जो फ़िश बॉल्स लाई थी मैंने बाय किए थे उसके ज़रिए ही, देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैंने इसके ऊपर चिली गार्लिक डाला है, केचप नहीं डाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, और हरी प्याज का इस्तेमाल किया है। हरी प्याज आप ऊपर से ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी फ्रेंच फ्राइज के साथ, अगर आपके मुंह में आती है तो अच्छी लगेगी, एक डिफरेंट आपको टेस्ट देगी। और मैंने टूथपिक, देखें आप किस तरीके से इसके ऊपर खीरे का इस्तेमाल किया है, खीरे की गार्निश करिए टूथपिक के ऊपर। थोड़ी थोड़ी करके मैं आप लोग को हर बात बताऊँगी। ये देखें आप बहुत ही बेहतरीन लग रहे थे ये देखने में। आप बच्चों की पार्टी करें,